अब तक आप लोगों ने देखा, मैं निकला अनुगुल से पुरी की ओर बाय अनुगुल पुरी मेमू पैसेंजर ट्रेन। रास्ते में बहुत सारे स्टेशन आए और फाइनली मैं पहुंच गया पुरी में। अगर अभी तक ये वीडियो आप लोगों ने देखा नहीं है तो ऊपर लिंक आ रहा है, टच कर दीजिए और उसको पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। सो गाइस, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज डे टू ब्लॉग। तो अभी मैं एक ई रिक्शा में बैठा हूँ क्योंकि बैटरी में चलता है, और ये रिक्शा में मजा ये है कि इसमें कोई साउंड नहीं है, आराम से आप यहाँ पे बैठेंगे और इसका कॉस्ट भी लो है। फ्रेंड्स, ई रिक्शा का खासियत ये है कि इसमें पॉल्यूशन फ्री है, साउंड फ्री है और आप सेफ जर्नी कर सकते हैं स्लो। बहुत बढ़िया है। आओ रास्ता देखिए। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुंच गए पुरी के बड़दांड में। ये भाई हमें साथ में लेके आए थे, अब हम नाडो भाई का नाम है बहाना और ये है इनका गाड़ी, देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, दिस इज पुरी बड़दांड। पुरी बड़दांड इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर होता है कार फेस्टिवल, आपको पता ही होगा। और चलिए चलते हैं, मंदिर के पास एक होटल है, वहाँ पर रुकते हैं। तो आज का इंट्रो हो जाए। वेलकम टू द चैनल एवरीवन, दिस इज नीलन एंड यू ऑल आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल By-Funon नीलन। गाइस, दिस इज शुगर केन जूस। अभी इसको पीना चाहिए क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है, तो अभी इसको पीते हैं फिर चलते हैं होटल। जूस का पर ग्लास का प्राइस था 10 रुपीज, कोई बुरा नहीं, अच्छा है। 10 रुपीज में एक ग्लास शुगर केन, गुड फॉर हेल्थ। साइड में एक बहुत बड़ा सा बाउंड्री देख सकते हैं वहां पर, उसका नाम है मेघनाद प्राचेरी, और उसके दूसरे ओर है जगन्नाथ टेम्पल। लेकिन हम लोग वहाँ पर अभी नहीं जाएंगे, अब हम लोग होटल में रहेंगे, उसके बाद थोड़ी धूप कम होने के बाद हम लोग अंदर जाएंगे। तो अब चलते हैं, और ये है उत्तर द्वार, यही कहीं आसपास हम लोग होटल लेके रहेंगे। सो फ्रेंड्स, पूरी में ये सब हम लोग खा रहे हैं, ये है अबड़ा, ये पिकल्स इसको बोलते हैं, और इसको महुरा बेसर और ये दाल और उसके साथ इसको बोलते हैं कानिका। तो ये सब हम खा रहे हैं, ये सारा मैं अकेला नहीं खा रहा हूँ, मैं और मेरे मामा दोनों मिलके ये खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज द होटल जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, वो वाला है हमारा रूम वहाँ पर, ये वाला, और उसके बाद वहाँ पर, यहाँ पर सारा 10 रूम है, नहीं सॉरी 8 रूम है, इस तरफ 8 रूम है, ये वाला 2, 10 और वहाँ पर पीछे और 4 है, 14 रूम है इस जगह पर। तो ये जगह हमने इसीलिए चुना क्योंकि ये मंदिर आप देख सकते हैं, यहाँ से मंदिर एकदम नजदीक है, तो इस वजह से हमें ये जगह पसंद आया। वो देखिए मंदिर क्लियर आ रहा है, सो इस वजह से हम लोग यहाँ पर रहने के लिए आ गए। और इधर एक और खूबसूरत चीज है, वो ये है कि यहाँ पर जो हवा बहती है वो एकदम खूबसूरत बहती है। समंदर के पास अगर आप रहते हैं तो बहुत ज्यादा कष्ट आपको पे करना पड़ेगा। अंदर का व्यू नहीं दिखा सकता क्योंकि पेरेंट्स मेरा अंदर है, खैर उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये देखिए मंदिर यहाँ से दिख रहा है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। खैर अब चलिए रूम के अंदर चलते हैं और फिर इवनिंग को निकलेंगे समुन्दर के किनारे। सो दिस इज द डे टाइम, ये तो रात हो गया, अब इसको दिन करते हैं, जल्दी से दिन करो इसको। टाइम व्यू ऑफ आउटसाइड ऑफ दिस रूम। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे होटल में आए हुए मंकीज क्या खा रहे हैं।
ये हमारे आंगन में बैठे हुए तीन। ये वाला तब से लगा हुआ है खाने। तो अभी वक्त है इवनिंग के 6:15 और हम अभी निकल रहे हैं सी बीच की ओर, क्योंकि सी बीच में अभी इस वक्त यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पुरी में खचाखच भीड़ शुरू हो चुका है, अनगुल में भी इवनिंग के वक्त भीड़ होता है, पुरी में भी इस वक्त भीड़ शुरू हो चुका है। खैर देखते हैं, अब तक हमें कोई गाड़ी ढंग का गाड़ी नहीं मिला है, मिलेगा तो चलेंगे सी बीच की ओर, फिर देखते हैं कब मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर नील चक्र का आरती चल रहा है, आरती प्रोग्राम, जो पुरी के टॉप में जो चक्र है उसके लिए यहाँ से आरती प्रोग्राम चल रहा है। वाओ, फ्रेंड्स, पुरी मंदिर के दक्षिण द्वार में आपको मिलेंगे कानव पोता हनुमान, वहाँ पर उनका कान नहीं है लेकिन वो हनुमान है, तो चलिए देखते हैं उनका मूर्ति कैसा है। फ्रेंड्स, ये देखिए इनका इनका कोई कान नहीं है, देख रहा है ना, इनका नाम है कानव पोता हनुमान। फ्रेंड्स, श्री मंदिर का दक्षिण द्वार को बोलते हैं घोड़ा द्वार, आप देख सकते हैं यहाँ पर घोड़ा है मतलब हॉर्स, तो ये है दक्षिण द्वार और यहाँ पर आपको मिलेंगे कानव पोता हनुमान इस साइड, जरूर आके देखना। ओ माय गॉड, द ब्यूटी इज सो अट्रैक्टिव गाइस, यहाँ पर इतना अच्छा हवा बह रहा है, क्या बताऊँ आप लोगों को, और दूर से वो देखिए समंदर कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत बड़े बड़े लहर अब आ रहे हैं, ये रास्ता बहुत जाम होने वाला है, हो चुका है ऑलरेडी। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे पीछे एक मूर्ति देख सकते हैं यहाँ पर, ये है श्री चैतन्य जी का मूर्ति, वो एक बहुत बड़े जगन्नाथ भक्त थे और ये कुछ ऐसे देखने में। अब समंदर में हम चलेंगे और बहुत सारे बातें आपको बताना है, जरूर सुनना। फ्रेंड्स, अगर आप दिन के वक्त यहाँ पर आओगे तो ये नज़ारा नहीं देख पाओगे, क्योंकि दिन में यहाँ पर कुछ नहीं होता, लेकिन रात में यहाँ पर दुकानें इस तरह से लग जाते हैं और पूरी सी बीच को एकदम लाइटिंग बना देते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मिलेंगे घोड़े, ऊंट और फिर घोड़े, फिर सफ़ेद घोड़ा मिल जाएगा, जगन्नाथ जी की कुछ मूर्तियाँ और ऊपर ये सारे सजावट वाले चीज़, छोटे मोटे खिलौने, ब्रेसलेट्स, बहुत टाइप के शंख और शंख से बना हुआ चीज, मोती के चेन्स वगैरह और बहुत किस्म के वैनिटी बैग्स, फोटोज और घर सजावट के कुछ सामान। सी बीच इन नाइट व्यू, यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे पता नहीं लेकिन कुछ तो दिख रहा होगा जो। तो फ्रेंड्स, अगर आप पूरी आते हो तो आपको ये सारा चीज देखने को मिलेंगे। इस द बीच मार्केट एरिया, जो कि सिर्फ और सिर्फ शाम को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दिन में यहाँ पर कुछ नहीं रहता क्योंकि दिन में यहाँ पर बहुत ज्यादा धूप रहता है, तो यहाँ पर शाम को दुकानें बसता है और यहाँ पर शाम को लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स, फाइनल मैं आके पहुंच गया होटल रूम में, रूम की हालत एकदम सही है, रूम एकदम सही है, मैं आपको दिखा सकता था लेकिन दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर सारे चीज फैला हुआ है हर तरफ, सो ये दिखाना कोई सही चीज नहीं बनेगा। खैर, अब मैं आपको बताता हूँ कि आज पुरी के जो बीच था वो बहुत बढ़िया, एक डीप डिप्रेशन आया है बे ऑफ बंगाल में जो कि है हमारा यहाँ पुरी का समंदर, सो इस वजह से वहां पर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी था, हमारा जो ये ग्लास है ये एकदम फूल हो जाते थे फॉग में। खैर कोई नहीं,
हो गया आज का वीडियो। एक ऑटो वाले भाई साहब का एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरे साथ, आखिर में पार्ट फोर में वो शेयर करूंगा। ओके सो फ्रेंड्स, आज वीडियो ये पे खत्म करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, आगे जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पूरी आते हैं तो उनको भी थोड़ा मालूम चले, और हमारे चैनल को नीचे यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ आवर स्वीट FM फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। फनन नीलन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप हमेशा अपडेट रह सके।